एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स मैशर। दोस्तों, लास्ट कई वीडियो से हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कंसीडर करते हुए आ रहे हैं। हमने ये सीखा कि एक पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू जब कोई लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो उसकी रे डायग्राम किस तरह बनानी है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस भी देखी हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं इस वीडियो में, उन सभी केसेस को ना समराइज करके आपको ये बताना चाहता हूं कि उन फॉर्मूलाज को हमें याद कैसे करना है, क्योंकि बहुत ब्राइट चांसेस है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और फॉर्मूला के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर डल जाए और हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इस पर्टिकुलर केस को हमेशा याद रखने के लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको हमेशा दिमाग में रखना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक केस डिस्कस किया था जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में पड़े थे और हमारा सरफेस कन्वेक्स इन नेचर था। तो उस केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आया था ना, हमें उसी तरह एक फॉर्मूला ड्राइव करना है इस बार भी। इस बार क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट जी तो एक डेंसर मीडियम में होंगे, लेकिन जो सरफेस होगा ना वो कनकेव इन नेचर होगा। कनकेव इन नेचर होगा। कई होंगे मेरे जैसे जो ये बात सुनकर थोड़े शॉक हो जाएंगे और सोचेंगे कि इसकी रे डायग्राम किस तरह बनेगी। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर केस की रे डायग्राम भी बना दी है आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स, वो सेम मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का कंसेप्ट शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ओ भाई, इसका मतलब क्या हो गया, और हमारे ऑब्जेक्ट जी ना एक रेयरर मीडियम के अंदर पड़े हैं और रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ओ इस केस के अंदर ना मैंने दोनों ही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, एक वो किया जिसके अंदर रियल इमेज बनती थी, एक वो किया जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती थी। और रियल इमेज कब बनती है, जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करे ना, उस पॉइंट को हम बोलेंगे आई, जो हमारी होगी रियल इमेज। वो मतलब यहाँ पे ना हमारी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअल में मीट कर रही है। लेकिन अगर ये वाला केस डिस्कस कर लेना, इसके अंदर जो हमारी इमेज बनती थी वर्चुअल बनती थी, पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और टुवर्ड्स अ नॉर्मल तो बेंड होगी, लेकिन वो कभी भी ना प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं कर पाएगी। तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आई लोकेट किया था, जिसको नाम दिया था वो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट कर नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, इन केसेस के अंदर जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट जी एक रेरर मीडियम में पड़े हो, उस केस के अंदर जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना हमने, वो था माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। वेरी गुड। अब दोस्तों, अगर बात की जाए दूसरे कंसेप्ट की, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, वो इसका मतलब भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, अब की बार एक डेंसर मीडियम में होगा। मेरी रे ऑफ लाइट अब की बार एक डेंसर मीडियम से चल के एक रेरर मीडियम में आएगी। और इस केस के अंदर ना हमारा जो फॉर्मूला बनता था ना, वो था माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा सरफेस कन्वेक्स हो चाहे मेरा सरफेस कनकेव हो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा होगा तो यही फॉर्मूला बनेगा, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम के अंदर पड़ा होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। मगर दोस्तों, इसको याद कैसे करें, इसके भूलने के ब्राइट चांसेस होते हैं, मगर कैसे हम इसको याद रखें, तो वो देखो। जिस मीडियम के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट जी पड़े होंगे, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने हमेशा नेगेटिव लेना है। कैसे, और ये ध्यान से देखो, जो हमारा फॉर्मूला है ना, माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। वो इस केस के अंदर ना हमारे ऑब्जेक्ट जी एक रेरर मीडियम में पड़े थे, तो जो रेरर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना,
उसको हम नेगेटिव लिखेंगे कुछ इस तरह। देखो यहां पे भी नेगेटिव लगाया साइन हमने, यहां पर भी नेगेटिव लगाया है। तो अगर मैं इसका रिवर्स केस देख लूं, जब हमारी रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम होगी, तो उस केस के अंदर ना हमारे ऑब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में पड़े होंगे, तो उस केस के अंदर जो नेगेटिव साइन आएगा ना वो डेंसर मीडियम के आगे आएगा, तो उस केस के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस म्यू टू बाय यू प्लस म्यू वन बाय वी इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, कुछ इस तरह। तो इसका मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में थे, तो इसके आगे नेगेटिव साइन किसके आगे लगा है, और डेंसर मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे। यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस मीडियम के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट जी पड़े होंगे उस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे नेगेटिव साइन आएगा, वो इस बात को ध्यान में रखना। तो दोस्तों अब जो मैं आपको टास्क देने जा रहा हूं ना वो ये वाला है, इसको ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों अब जरा आपके टास्क की बात की जाए। ये पर्टिकुलर रे डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपका काम होगा इसके मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं कि बार की ओर मेरे पास एक रेरर मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और मुझे एक स्फेरिकल सरफेस दिया गया है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अगर मैं रेरर मीडियम से इस पर्टिकुलर सरफेस को देखूं ना, मेरे को ऐसा फील होगा कि मानो ये एक तरह से कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, और अब की बार ना हमारे ऑब्जेक्ट जी कहां पर पड़े हैं, और डेंसर मीडियम के अंदर। तो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे सरफेस को मीट करेगी उसको मैं नाम दे रहा हूं पोल। ये मैंने लोकेट कर दिया हमारे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारे प्यारे ऑब्जेक्ट जी। तो जो रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट जी से चलेगी इस पर्टिकुलर सरफेस को मीट करेगी, और यहां पे क्या होगी अब, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन तो होगी मगर लाइट बेंड कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अब की बार रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ओ वेरी गुड। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको मैं दे रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो गया, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आ रहा है। जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बन रहा है उसको मैं ले रहा हूं अल्फा। जो एंगल हमारी रिफ्रैक्टेड रे, बेसिकली ना रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना, यहां पे ये मीट करेगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं आई, और ये कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहां पे रे एक्चुअल में मीट कर नहीं रही प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं बीटा, और जो एंगल हमारी नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं गामा। तो भाई फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था, जहां पर ये लाइंस मीट कर रही हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसको नाम देना है एम। और दोस्तों डिस्टेंस पी एम जो होगा ना दैट विल टेंड टू जीरो। मैं उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको समझ आता होगा। तो अब आप उठाओ औजार, वो औजार मतलब अपने पेन कॉपी उठाओ, ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखना, बड़े आसानी से ये फॉर्मूला आ जाएगा, वो आना भी चाहिए क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में पड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए।